नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिनभर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। उपेंद्र कुशवाहा बोले, पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर मुझे झुंझुना पकड़ाया। उपेंद्र कुशवाहा पर हमले को लेकर तेजस्वी यादव ने दिए जांच के आदेश। उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर भड़के मंत्री श्रवण कुमार, बात अब संन्यास लेने तक पहुंची। सीएम नीतीश बना रहे बिहार में भव्य का माहौल, बोले संजय जायसवाल। आरजेडी कोटे से मंत्री कुमार सर्वजीत ने बीजेपी से कहा, ऐसे जंगल राज को सलाम ठोकते हैं। बिहार में कल से इंटरमीडिएट की परीक्षा शुरू, 13 लाख से अधिक विद्यार्थी होंगे शामिल। गया में छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने किया हमला। आरा में डीजे बजाने के विवाद में दो को गोली मारी, मौत के बाद मचा बवाल। छपरा के पानापुर में भोज खाने के बाद 50 लोग बीमार। अयोध्या में शालिग्राम पत्थर से बनेगी मां सीता और श्री राम की मूर्ति। अब खबरें विस्तार से। उपेंद्र कुशवाहा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नीतीश कुमार पर निशाना साधा। उन्होंने फिर कहा कि पार्टी में मुझे पार्लियामेंट्री बोर्ड का अध्यक्ष बनाने के नाम पर झुंझुना पकड़ा दिया। मेरे हाथ में लॉलीपॉप थमाया गया है, पार्टी चाहे तो मुझसे सभी पद ले ले, मुझे कोई लालच नहीं है, मुझे कोई फैसले लेने का अधिकार नहीं दिया गया। उन्होंने फिर से नीतीश कुमार के एक एक सवाल का अपने अंदाज में जवाब दिया है। वहीं नीतीश कुमार को लेकर भी कहा कि जिस दिन वो खुद से फैसला लेने लगेंगे उस दिन से वो सही हो जाएंगे। भोजपुर में उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर हुए हमले को लेकर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने कहा कि फिलहाल मुझे इस घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और यदि उपेंद्र कुशवाहा जी कह रहे हैं तो बात सच ही होगी और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी, दोषियों को सलाखों के पीछे भेजा जाएगा। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा के काफिले पर पत्थरबाजी की घटना उस वक्त हुई जब कुशवाहा बक्सर से एक कार्यक्रम में भाग लेकर पटना रहे थे। मंत्री श्रवण कुमार ने अपनी ही पार्टी के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा के बयान पर मंगलवार को हमला बोला है, बात संन्यास ले लेने तक पहुंच गई है। श्रवण कुमार ने बिहार शरीफ के सर्किट हाउस में बयान देते हुए कहा कि राजनीति में जो पद मिलता है, चाहे वो साधारण कार्यकर्ता का हो, विधायक का हो या राज्यसभा का हो, वह महत्वपूर्ण पद होता है। राजनीति जनता की सेवा के लिए है। उन्हें लगता है कि यह झुंझुना है तो सार्वजनिक जीवन से संन्यास ले लेना चाहिए। बिहार में अपराध को लेकर भाजपा ने नीतीश कुमार और गठबंधन पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार बिहार में जंगल राज कायम करना चाहते हैं। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ने कानून व्यवस्था के सुस्त चाल को लेकर सवाल उठाया है। इतना ही नहीं, उन्होंने मुख्य रूप से इसका जिम्मेदार नीतीश कुमार को ठहराया। संजय जायसवाल ने कहा कि जहां तक मेरी समझ है, नीतीश कुमार की मर्जी के बगैर बिहार में कुछ नहीं होता है। नीतीश कुमार एक बार फिर बिहार को 1990 से 2005 के शासन काल में जाना चाहते हैं। इधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल के बयान पर आरजेडी कोटे से मंत्री सर्वजीत का बयान सामने आया है। उन्होंने संजय जायसवाल के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि अगर बिहार में युवाओं को नौकरी और रोजगार देना जंगल राज है तो ऐसे जंगल राज को हम सलाम ठोकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए यह भी कहा कि बताइए इस बार के बजट में बिहार के किसानों को क्या मिलने वाला है। बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा कल से शुरू हो जाएगी। 1 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक दो पालियों में परीक्षा होगी। इस परीक्षा में साल कुल 6,36,432 छात्राएं और 6,81,795 छात्र सहित कुल 13,18,227 अभ्यर्थी शामिल हो रहे हैं। वहीं इस बार परीक्षा में कुछ बड़े बदलाव किए गए हैं जिससे विद्यार्थी को काफी सुविधा होगी। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति और पुलिस प्रशासन की तरफ से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर लिए गए हैं। वहीं पहली बार ऐसा हुआ कि विद्यार्थियों को पहचान देने के लिए समिति द्वारा एक यूनिक आईडी जारी किया गया है जिससे उनकी पहचान आसानी से हो जाएगी। शराब की सूचना पर सेरघाटी थाना क्षेत्र के नीमा गांव में छापेमारी करने गई उत्पाद विभाग की टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस हमले में उत्पाद विभाग के 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए जबकि वाहन का शीशा भी तोड़ दिया गया। पुलिसकर्मियों ने भागकर किसी तरह अपनी जान बचाई। सभी घायल व्यक्तियों को मगध मेडिकल कॉलेज में बेहतर इलाज के लिए भेजा गया है। उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक शैलेंद्र कुमार आजाद ने बताया कि जिले के
शेरघाटी थाना में छापेमारी के दौरान एक महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं हमला करने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। भोजपुर में बीते देर रात एक शादी समारोह में हुई गोलीबारी की घटना में दो शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए थे, जिसमें से एक की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि एक का इलाज आरा में चल रहा है, जिसके बाद मृतक के परिजनों ने विरोध में सड़क जाम कर खूब बवाल मचाया। ये घटना धोभा ओपी के धोभा गांव की है। जानकारी के मुताबिक कुछ युवकों ने विवाद हो गया, इसी बीच किसी ने पिस्टल निकालकर दोनों को गोली मार दी और सभी आरोपी फरार हो गए। इधर अपराधियों की पहचान के लिए शादी में मौजूद कमरे को भी जब्त किया गया है। छपरा के पानापुर थाना क्षेत्र के कोंद भगवानपुर गांव में एक भोज में खाना खाने से लगभग 50 लोगों की तबीयत खराब हो गई। बताया जा रहा है कि सभी रात्रि में खाना खाए, उसके बाद धीरे धीरे एक एक कर सभी की तबीयत खराब होने लगी और उल्टी और दस्त चालू हो गया। इसकी सूचना तुरंत मेडिकल विभाग को दी गई, जिसके बाद गांव में ही मेडिकल की टीम ने कैंप करके सभी की इलाज करने में लगी। वहीं जिनकी तबीयत ज्यादा खराब है उनको जिला अस्पताल रेफर किया जा रहा है। सूचना मिलते ही अधिकारियों का आना जाना भी शुरू हो गया। अयोध्या के राम मंदिर का काम तेजी से चल रहा है। रामलला की प्रतिमा को लेकर भी लोगों में बहुत ही ज्यादा उत्साह दिख रहा है। अयोध्या के इस भव्य मंदिर में रामलला की मूर्ति शालिग्राम पत्थर से तैयार की जाएगी। ये शालिग्राम पत्थर नेपाल की गंडकी नदी से लाए जा रहे हैं। जानकारों के मुताबिक यह पत्थर दो टुकड़ों में है और इन दोनों शिलाखंडों का कुल वजन 127 क्विंटल है। नेपाल से आ रही दो शिलाओं में दूसरे का इस्तेमाल गर्भगृह के ऊपर की पहली मंजिल पर बनने वाले दरबार में श्री राम की मूर्ति बनाने में इस्तेमाल किया जाएगा। खबर में बस इतना ही। YouTube को सब्सक्राइब करें और Facebook पेज को लाइक करें। धन्यवाद।